देश की राजधानी दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। प्रदूषण से हालात ये हैं कि लोगों को स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में गायब हैं, तो वहीं सूरज की रोशनी भी धीमी पड़ गई। आज यानी 4 नवंबर को दिल्ली में कल के मुकाबले AQI में हल्की कमी दर्ज की गई, मगर अभी भी ये काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में सुबह 7 बजे के करीब AQI 416 दर्ज किया गया। वहीं कल की बात करें तो नई दिल्ली में AQI 460 था। हालांकि कल और आज दोनों ही दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर रहा। दिल्ली के इलाकों का क्या है हाल? दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सुबह 8 बजे के करीब AQI 448 दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर है। वहीं अलीपुर में AQI 358 दर्ज किया गया। अशोक विहार में AQI 338 दर्ज किया गया। उधर बवाना में AQI 434 दर्ज हुआ। सोमवार से अब तक कितना बढ़ा AQI? दिल्ली का AQI सोमवार 30 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे तक 324 पर था। उधर मंगलवार को ये 340 के करीब रहा। बुधवार की बात करें तो AQI 359 तक पहुंच गया। वहीं गुरुवार को AQI में 347 के साथ हल्की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन शुक्रवार को तो दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल ही हो गया। पूरी दिल्ली की बात करें तो AQI सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 800 के पार पहुंच गया। और आज भी दिल्ली के हालात बदतर ही हैं। क्या रहेगा बंद? दिल्ली के सभी स्कूल नर्सरी से क्लास 5 तक 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि 3 और 4 नवंबर को प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल यानी नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। ये गाड़ियां आज से नहीं चलेंगी। ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये पाबंदी कमर्शियल वाहनों के साथ प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू होगी। दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों पर भी ये पाबंदी लागू रहेगी। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।